पिछले कई समय से एक प्रश्न लगातार राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक विश्लेषकों के जहन में और आम लोगों के मन में भी चल रहा है, मोदी के बाद कौन। अब शायद कहा यह जा रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर अब मिलने लगा है। बीजेपी ने नेतृत्व को लेकर जो रणनीति बदली है, शायद ये उसी प्रश्न का उत्तर है कि मोदी के बाद कौन। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पिछले कई समय से एक ही बात कही जा रही थी कि बीजेपी में नेता मतलब वो, तो उसके बाद बाकी लोगों का क्या। अगर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव मैदान में नहीं उतरते तो क्या। विपक्ष भी लगातार इसी मसले को उठाता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हर चुनाव में प्रचार प्रसार करते दिखाई पड़ते हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि वो पार्टी के सदस्य हैं, प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वो प्रचार प्रसार करते हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, इसलिए वो प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन ये सारी बातें तब गौड़ हो जाती थी जब हर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी दाव लगा रही थी। अगर आप देखिए कि इन राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी और कमल का निशान ही आगे रहा, किसी भी छत्रप के चेहरे को मौका नहीं दिया गया। शायद इसलिए क्योंकि चुनाव के बाद इन नए चेहरों पर एक्सपेरिमेंट करना था, बीजेपी को शोध करना था, प्रयोग करना था लोकसभा चुनाव से पहले। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ही एक ऐसा चेहरा है जो कि पॉलिटिक्स में इस तरह के एक्सपेरिमेंट साल 2014 में आने के बाद से लगातार करते रहे। आप समझिए, लोकसभा चुनाव में अगर थोड़ा समय बचा हो तो क्या कोई पार्टी अपने छत्रपों को, जो कि मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ते हैं, उन्हें किनारे लगाएगी, उनसे किनारा करेगी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की, और हम बात कर रहे हैं चुनावी राज्यों में और दूसरे बड़े नेताओं की और छत्रपों की, जिनको कि बीजेपी ने साइडलाइन करके सीधे तौर पर नए चेहरों को एक्टिव होने के लिए, नेतृत्व पर बीजेपी की रणनीति बदलते हुए, इस तरीके के स्टेप लेते हुए दिखाया है। अगर आप देखिए तो ये प्रश्न कि पीएम मोदी के बाद कौन, तो इस प्रश्न का उत्तर अब शायद बीजेपी धीरे धीरे नेतृत्व पर बदली बीजेपी की अपनी रणनीति के साथ देने की कोशिश कर रही है। विपक्ष हो या मीडिया, सबके भीतर, जैसा कि हमने कहा कि सबके भीतर एक ही प्रश्न कि मोदी के बाद कौन। कई बार ये उन पर आरोप भी लगे कि हर मंच से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान किया जा रहा है, हर योजना के माध्यम से केवल उन्हीं को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कांग्रेस की तरफ से लगातार इस तरीके के हमला जो चल रहा था वो उसी के जवाब में शायद बीजेपी ने ये कदम उठाया है। बीजेपी की पूरी राजनीति केवल पीएम मोदी के इर्द गिर्द सिमट गई है, ये बात भी कांग्रेस हमेशा से कहती रही है। इससे बीजेपी में भविष्य का नेतृत्व विकसित नहीं हो पाएगा, मोदी युग के बाद बीजेपी का भारी नुकसान होगा, ये बात भी राजनीतिक विश्लेषक कहते रहे हैं। और आपको याद होगा कि संघ का अपना एक पत्र है, उसमें भी इस तरीके की बातें पहले ही ये जताई जा चुकी थी कि प्रधानमंत्री मोदी पर निर्भरता अब कम करनी होगी। और आपको ये भी याद होगा कि जब वो अपने सांसदों को पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे तो वो भी, उन्होंने भी इस तरीके की बात कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे कब तक रहोगे, खुद भी कुछ करना। इस तरीके की बातें बहुत समय से चली आ रही थी, शायद इसलिए अब ये स्ट्रैटेजी, नेतृत्व स्ट्रैटेजी का जो चेंज है और नई पीढ़ी को, जो नई पौध को विकसित करने की बात है, वो अब कही और की जा रही है बीजेपी की तरफ से। क्योंकि लोग आते हैं और जाते हैं लेकिन पार्टियां जो हैं वो सालों साल चलती हैं। 1980 से लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पार्टियां अपने लिए काम करती रही हैं, अलग अलग तरीके का जो प्रयोग है वो करती रही हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपनी नीति में परिवर्तन किया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बिल्कुल नए चेहरों को कमान सौंपी है, उससे ये कहा जा रहा है कि वाकई में अब जब ये कहा जाता रहा है कि मोदी पर ही निर्भरता, तो उन सारे प्रश्नों का जवाब शायद बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करके दिया है। पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे से बड़े नेताओं को फिलहाल रिटायर करने जैसी स्थिति में ला दिया है और अगली पीढ़ी को फौज के तौर पर सामने किया। आने वाले समय में यही नेता पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे। और ये रवायत भी होती है, ये परंपरा भी होती है हर पार्टी की, जैसा कि अभी हमने कहा कि लोग भले आते हैं और जाते हैं लेकिन पार्टियां तो सदा सदा रहती हैं सालों साल। तो पार्टी का भविष्य किस तरीके से तय हो उसके लिए शायद ये स्ट्रैटेजी बदली गई है। पीएम मोदी के द्वारा आगे बढ़ाए गए नेताओं की बात करें तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक
केशव प्रसाद मौर्य, पुष्कर सिंह धामी, अनुराग सिंह ठाकुर, सम्राट चौधरी, भूपेंद्र यादव, जी किशन रेड्डी, धर्मेंद्र प्रधान, प्रमोद सावंत, मनसुख मंडाविया, हेमंत बिस्व शर्मा, इन सब के अलावा अगर देखिए तो योगी आदित्यनाथ। नेताओं की फौज है अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है, जिसको कि बीजेपी ने धीरे धीरे प्रोजेक्ट किया है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव कभी भी पहले चुनाव की बात कर रही हूं मैं, कभी भी पहले चुनाव में योगी आदित्यनाथ को सामने प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। योगी आदित्यनाथ का नाम चुनाव के बाद सामने आया और दूसरे टर्म में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। यानी बीजेपी का वो जो एक्सपेरिमेंट था पहले में, वो इतना सक्सेसफुल था कि दूसरे टर्म में योगी आदित्यनाथ बिना चू चपाट के, बिना शोर शराबे के फिर से जीत कर आए। अलग अलग क्षेत्रों में नहीं, अलग अलग सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर भी बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर चुकी है। मोदी ब्राह्मण, ठाकुर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, हर समाज में प्रभावशाली नेतृत्व तो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी है, लाइन लेंथ है जिस पर वो काम कर रही है। इनमें से कई नेता आज भी अपनी स्वतंत्र पहचान पाने की सफलता हासिल कर चुके हैं। आने वाले समय में ये बीजेपी की ओर से सामाजिक समीकरणों के आधार पर उनसे मिलने वाली किसी भी चुनौती का जवाब भी हो सकती है। इन सब के अलावा बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता हैं जो अपने दम पर राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का दम रखते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। बीजेपी के लिए ये एक अच्छी बात है कि उसके पास नरोत्तम मिश्रा, बाबा बालकनाथ, तेजस्वी सूर्या जैसे नेता हैं, जैसे बड़े नेता हैं जो कि भविष्य में एक कह लीजिए कि एक ऊर्जावान नेतृत्व के रूप में दिखाई दे सकते हैं। हर वर्ग के, हर जाति के नेता को पीएम मोदी तैयार कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह से आरोप लगातार मढ़े जा रहे थे, ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं कि मोदी के ओवर एक्सपोजर के कारण बीजेपी में भविष्य का नेतृत्व विकसित नहीं हो पाएगा। कांग्रेस बहुत समय से ये बात कह रही थी, तमाम विरोधी दल ये बात कह रहे थे कि जिस तरीके से पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना, योजनाओं का जिक्र करना, सिर्फ पीएम मोदी पर डिपेंडेंसी रहेगी तो पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन उन सारे आरोपों का जवाब बीजेपी ने दे दिया। सच्चाई ये है कि अपने 10 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने पूरे देश में बीजेपी नेताओं की एक नई पौध तैयार की है, जो आने वाले समय में बीजेपी के लिए राजनीति को और आगे ले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का अगले 5 साल तक देश का नेतृत्व करना तय दिखाई पड़ रहा है, राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है। इतने समय में ये नेता पूरी तरह से अपनी जड़ें जमा चुके होंगे और उनके पास पर्याप्त अनुभव होगा। ऐसे में नेताओं की दृष्टि से बीजेपी काफी समृद्ध दिखाई पड़ रही है और इसका श्रेय केवल प्रधानमंत्री मोदी की युवाओं को अवसर देने की सोच को जाता है। पिछले कई समय से जिस तरीके से ये सवाल उठ रहा था कि पीएम मोदी नहीं तो कौन, क्या पूरी बीजेपी सिर्फ पीएम मोदी की डिपेंडेंसी पर, उनके कंधों पर सिमट कर रह गई है, लेकिन जिस तरह से 3 राज्यों में एक नए प्रयोग के साथ नए नेतृत्व को जिम्मेदारी देते हुए बीजेपी ने यह दाव खेला है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जो बात कहते रहे हैं कि ठीक है लोकसभा की बात तो हो रही है 2023 में, 2024 में जो भी चुनाव की प्रक्रिया थी, चाहे 23 में राज्यों की, चाहे 24 में लोकसभा की, लेकिन ये प्लान 2047 का है, 2047 तक का है। एक सधा नेतृत्व किस तरीके से हर वर्ग में पार्टी के भीतर तय करना, तैयार करना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।